पुलवामा हमले के बाद भारत की ओर से हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक के जख्मों की टीस पाकिस्तान को अब भी परेशान कर रही है। वो उस दर्द को भुला नहीं पा रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स के जरिए भारतीय सीमा में घुसकर नापाक हमले की कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, जिसके बाद से ही भारत ने अपनी फॉरवर्ड पोस्टों पर लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा है। इन फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। भारतीय फाइटर जेट से खौफ खाए पाकिस्तान ने तभी से अपने एयर स्पेस को भारतीय विमानों के लिए बंद कर रखा है, जो आज तक बंद है। इस बीच पाकिस्तान ने एयर स्पेस को खोलने के लिए भारत के सामने एक शर्त रखी है। पाकिस्तान ने विमानन पर सेनेट की स्थायी समिति को जानकारी दी है कि वो अपना हवाई क्षेत्र भारत के लिए तब तक नहीं खोलेगा जब तक कि भारत सीमा पर तैनात अपने लड़ाकू विमानों को हटा नहीं लेता। पाकिस्तान ने इस समिति को बताया है कि भारत सरकार ने उससे संपर्क कर हवाई क्षेत्र खोलने का अनुरोध किया था। उसने उन्हें अपनी इन चिंताओं से अवगत कराया कि पहले भारत को अग्रिम हवाई अड्डों पर तैनात अपने लड़ाकू विमानों को निश्चित रूप से हटाना चाहिए। भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों पर अब भी लड़ाकू विमान तैनात हैं और इन विमानों को हटाए जाने तक पाकिस्तान भारत से विमानों का आवागमन बहाल करने की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने के बाद से ही भारत के सभी यात्री विमान दूसरे रास्तों से आ जा रहे हैं, जिसके चलते भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए उसने पाकिस्तान से एयर स्पेस खोलने की अपील की थी, लेकिन उसने ऐसा करने के लिए बेतुकी सी शर्त रख दी। हालत ऐसी है कि हमारे जो एयर इंडिया और एयरलाइन के हवाई जहाज जा रहे हैं काबुल तक भी, वो पाकिस्तान से अलग होके 3 घंटा ज़्यादा समय में काबुल पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान एयर स्पेस नहीं खोल रहा। ईरान ने भी हमारी एयरलाइन को बोला हुआ है, DGAC, कि ईरान को भी संभाल के जाइए, तो बहुत घाटा हो रहा है एयरलाइंस का। अब पाकिस्तान नहीं खोलने वाला है, और आर्मी ने, इमरान खान ने पूछा भाई खोल दीजिए, आर्मी ने कहा हम नहीं खोलेंगे जब तक भारत डीएस्केलेट नहीं करता। डीएस्केलेट का मतलब अपनी फौज पीछे ले जाएं और ये शांति हो जाए, बहुत उनकी डिमांड है, लेकिन वो एयर स्पेस पाकिस्तान का हमारे भारत के हवाई जहाज़ों के लिए और बाकी हवाई जहाज़ के लिए नहीं खोल रहा, बहुत घाटा हो रहा है। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने से यूरोपियन देशों, उत्तर अमेरिका और खाड़ी देशों की ओर आने जाने वाली फ्लाइट्स बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। ये फ्लाइट्स गुजरात के ऊपर से अरब सागर पार करते हुए जा रही हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के मुताबिक इससे रोजाना करीब 233 विमानों के यात्री परेशान हो रहे हैं। इनकी संख्या करीब 70,000 है। इन्हें गंतव्य तक पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे ज्यादा समय तो लग ही रहा है। इस रूट से जहाज जाने पर करीब 1.5 से 2 हज़ार किलोमीटर का अतिरिक्त सफर भी तय करना पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ रूट्स पर यात्रियों को 5 गुना तक अधिक किराया भी चुकाना पड़ रहा है, जिसका असर एयरलाइंस कंपनियों पर भी पड़ रहा है। उन्हें भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। विशेषज्ञों की माने तो भारत इस स्थिति से उबरने का रास्ता निकाल सकता है। हिंदुस्तान के पास कई अनेकों ऑप्शंस हैं। मैं खुद पायलट हूँ। हवाई जहाज़ों को फॉरवर्ड स्टेजिंग किया जा सकता है मैटर ऑफ मिनट्स एंड आवर्स। उस उन एयरफील्ड के ऊपर उन हवाई जहाज़ों को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं छोड़ दिया जाए और हवाई जहाज़ों को पीछे मूव किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स ये फैसला ले। इसमें ईगो नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में पाबंदी से भारतीय एयरलाइंस को तो नुकसान हुआ ही है, इसके छींटे पाकिस्तान पर भी पड़े हैं। एयर स्पेस बंद होने से भारत को जहां अब तक 548 करोड़ रुपए, तो पाकिस्तान को लगभग 688 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान शर्तों के एवज में अगर एयर स्पेस खोलने की बात कर रहा है तो भारत सख्त रुख अपना सकता है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना होगा। अगर पाकिस्तान ये शर्तें रखता है तो ये शर्त पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी पड़ेगी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी एक मेगा इकोनॉमी है और इस नुकसान को वो सह सकती है। पाकिस्तान को $100 मिलियन का नुकसान हो चुका है, और जब पाकिस्तान की इकोनॉमी कंगाली पर आ चुकी है, एक एक पैसे की भीख मांग रहे दुनिया पे, तो ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा महंगा पड़ेगा बजाय हिंदुस्तान के लिए। और अगर हिंदुस्तान वास्तव में पाकिस्तान की इकोनॉमी को और तोड़ना चाहता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज कर सकता है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर घिरा हुआ है। आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर उस पर ब्लैकलिस्टेड होने का खतरा भी मंडरा रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति खस्ता हाल हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।